दोस्तों कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपने आजकल कुछ ऐसे दोस्त आपके होंगे आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो रिप्ड बॉडी बनाने के चक्कर में एप्स बनाने के चक्कर में सब कुछ खाना छोड़ देते हैं। अब वो कहाँ तक चीज़ सही है, कहाँ तक चीज़ उसको करना चाहिए, तो ये सब बातें जो हैं उसके बारे में बात करते हैं और भाई से। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो और भाई बताइए कहाँ तक चीज़ सही है। जय हिंद मेरे दोस्तों। सर अनुराग भाई, हम नॉर्मल इंसान की तरह हम जिंदगी जियेंगे तो हम लॉन्ग लाइफ जियेंगे, अच्छे तरीके से स्वास्थ्य जियेंगे। और अगर हम किसी की हिरास करेंगे ना भाई तो हम कहीं के नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा भाई कहने का मकसद, हमारे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, एक छोटी सी वीडियो है हमारी मेरे भाई ये, कि हम खाना पीना किस हद तक छोड़ें, बिल्कुल है ना, हम कितने पागल हो जाएं इस चीज़ के लिए। तो सिर्फ मेरा दो ही बातें हैं इस चीज़ के लिए अनुराग भाई, अगर आपको डेडिकेट हैं अपनी बॉडी के लिए, आपको सिक्स पैक एब्स चाहिए, जीरो फिगर चाहिए, तो दोनों चीज़ों को ख्याल रखना पड़ेगा। पहली बात तो आपको ये चीज़ सेट करनी पड़ेगी कि मुझे 6 महीने तक अपने आप को ऐसे मेंटेन रखना है, दिमाग में रख लो, ठीक है। उसके लिए आप एक अच्छा कोच हायर करें, एक अच्छा डाइटिशियन हायर करें, उसके अकॉर्डिंग ही आप चलें और उसमें चीट ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। यही मेरा गर्ल्स के लिए है और यही मेरा बॉयज़ के लिए। जैसे मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैंने कभी कंपटीशन मिस्टर यूपी के कंपटीशन में गया मैं वहाँ पे, तो मैंने पूरे तरीके से अपने आप को, संपूर्ण तरीके से अपने आप को कोच को सौंप दिया। जैसे जैसे मेरे कोच ने मुझसे कहा मैंने पूरे तरीके से फॉलो किया। मेरा एक मकसद था अनुराग भाई कि मेरा बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन है। अच्छा। आप लोगों का क्या मकसद है, है ना? हाँ। मकसद है नहीं है लेकिन चल रहे हैं, भेड़ की चाल चल रहे हैं, बस मुझे सिक्स पैक एब्स चाहिए और मुझे जीरो फिगर चाहिए। तो मेरे भाई हम लोगों का आप से सिर्फ यही एक संदेश है कि अगर किसी भी तरीके से आप अपने आप को मेंटेन नहीं रख पा रहे हो तो आप बिल्कुल भी जीरो फिगर और सिक्स पैक के चक्कर में ना पड़ें। भगवान ने जितनी भी चीज़ें इस धरती पे उतारी है उन सब का मजा लो, बिल्कुल, ठीक है ना। आप भी अनुराग बहुत सारी चीज़ें खाते होंगे, हाँ, हाँ, है ना, हाँ, नॉर्मली मैं भी खाता हूँ मेरे भाई, लेकिन अगर मेरा कॉम्पिटिशन होता है तब तो मैं उस चीज़ों को छोड़ देता हूँ, बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है। उस समय उनका कॉम्पिटिशन है, उन्हें उस चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए, उन्हें उस कंपटीशन को लड़ना है, इसलिए उनको इस तरह की अपना बॉडी बनानी पड़ेगी, वो उसके साथ मजबूरी आ गई है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में बाबर भाई भी सब कुछ खाते हैं, हम भी सब कुछ खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, बाहर का भी थोड़ा बहुत खाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अनहेल्दी फूड हम खाना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दें, बिल्कुल यार ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता हम लोगों के लिए। तो बिल्कुल उसको माइंड में ये मत सेट करो कि सब कुछ छोड़ दो तब सही है। हेल्दी फूड खाओ, बढ़िया फूड खाओ, थोड़ा बहुत आप और खा भी सकते हो। दूसरी चीज़ अनुराग भाई, सबसे बड़ी और सबसे मैं भयंकर वाली बात आपको बताने वाला हूँ, जबकि मुझे शायद नहीं बतानी चाहिए थी। मेरे भाई किसी भी तरीके के फैट बर्नर के चक्कर में अपने आप को बिल्कुल भी ख़त्म ना करें। मेरी आप लोगों से ये हाथ जोड़ के मेरी विनती है आप लोगों से कि बिल्कुल भी आप किसी भी ऐसे इंसान के चक्कर में ना पड़ें जो आपको फैट बर्नर कैप्सूल के रूप में या किसी भी चीज़ के रूप में देता है। बिल्कुल मेरे भाई वो इतना ख़तरनाक होता है कि मैं नाम नहीं ले पाऊँगा उन चीज़ों का, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को मैं अपने दिल से इस चीज़ को कह रहा हूँ कि कोई भी फैट बर्नर अगर आप खाते हैं तो किसी भी जिम वाले से या किसी भी इंसान से बिल्कुल भी डायरेक्टली ना लें। आप अपने डाइटिशियन से बात करें, वो आपकी हाइट के, आपकी हेल्थ के, आपके एम के, आपके अनुसार आपको गाइड करेगा कि आपको ये चीज़ लेनी चाहिए, अन्यथा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। नॉर्मल भी अनुराग भाई जी, हम अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं यार, बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी है, भगवान ने हमें बनाया है तो हम उसे अच्छे से जिए, उसका एंजॉय करें, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं अनुराग भाई जिनको भगवान अलग तरीके से चुनता है। क्रिकेट सब खेलते हैं लेकिन सचिन को क्यों ऐसा चुना, है ना, ठीक है ना। फुटबॉल सब खेलते हैं, रोनाल्डो को ही ऐसा क्यों चुना, ठीक। तो अब उनकी डेडिकेशन थी, उन्होंने अपने आप को फूंक दिया था उसमें, है ना। अभी बिग्रामी बने हैं मिस्टर ओलंपिया, वो उन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से इसके अंदर उतार दिया। तो मेरे भाई अगर आपको इसके अंदर उतरना है तो संपूर्ण ज्ञान लो, फिर तो आप भूल जाओ सब चीज़ दुनिया। ओके, थैंक यू।